इसकी प्लानिंग लगभग मेरी 1.5 साल से चल रही है कॉन्सेप्ट के ऊपर, बिराजी के साथ। और कॉन्सेप्ट जो है वो विराज जी के लिए था, क्योंकि एक्शन हीरो हमारे भोजपुरी में अगर एक्चुअल में देखा जाए तो विराज जी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट उन्हीं के लिए था। तीन चार लोग और हैं भोजपुरी में जो कि खुद को एक्शन किंग कहते हैं, या फिर उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं किसी के बारे में टीका टिप्पणी करने की बात नहीं है, ठीक है। ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है, ठीक है, वो सब जानती है। अब क्या है कि विराज को लेके ही मैं क्यों आया हूँ, तो कॉन्सेप्ट विराज के लिए है तो है, कॉन्सेप्ट अगर खेसारी जी के लिए है तो है, कॉन्सेप्ट दिनेश जी के लिए है तो है, कॉन्सेप्ट पवन जी के लिए तो है। ये हमारा नहीं है कि हम कॉन्सेप्ट के बियॉन्ड चलें, या फिर अपने हीरो को, अपने आर्टिस्ट को हम मिस यूज कर दें। फिर भी आप ये मानते हैं कि भोजपुरी के एक्शन किंग विराज भट्टी है? एक्शन किंग कोई नहीं होता, कोई ड्रामा किंग नहीं होता, कोई कॉमेडी किंग नहीं होता, ये हम बस लगा देते हैं। एक्शन हमारे दिनेश जी के ख़राब करते हैं, पवन जी के ख़राब करते हैं, खेसारी जी के ख़राब करते हैं। चूँकि क्या है कि विराज भट्ट जो है वो एक मार्शल आर्ट प्लेयर है, जैसे कि हमारे बॉलीवुड में अक्षय कुमार होते हैं, अभी टाइगर श्रॉफ है। तो एक्शन किंग जो है वो हम अक्षय कुमार को भी कहते हैं, एक्शन किंग अपने अजय देवगन को भी कहते हैं। तो एक्शन किंग हम उसको लगा सकते हैं जिसकी मैक्सिमम फिल्में जो एक्शन पे आती हैं। तो हमारे बॉलीवुड को भी ले लीजिए, हमारे भोजपुरी की इंडस्ट्री को तो छोड़ दीजिए, बॉलीवुड को भी लीजिए, तो उसमें भी हम किसी को ये डिनोट नहीं कर सकते हैं कि ही इज़ अ एक्शन किंग आर्टिस्ट, ही इज़ अ एक्शन किंग एक्टर। तो आप